हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप पश्तो जबान में काम करने वाले अमरीकी नशरियाती इदारों के खिलाफ मुजाहरों की कॉल दे चुका है। दोनों जानिब की बात हम आज रखेंगे आपके सामने। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। चीन और अमरीका के सुदूर का एशिया के लिए मुख्तलिफ विजन। सहाफत को मकामी अकदार और तर्ज फिक्र का किस हद तक पाबंद होना चाहिए। अगर आज वो मुजाहरे करते हैं कल हम भी इस रोड पे निकल सकते हैं। और कश्मीर में 3 दहाइयों से बंद सिनेमाघर क्या दोबारा खुल सकेंगे। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि जो फौज का जुल्म यहाँ पर है। अमेरिका और चीन की क़यादत का बैन अक्वामी तजारत के फरोग के लिए विजन एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, ये वियतनाम में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सरबराह इजलास के मौके पर खुलकर सामने आया है। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब करते हुए ग्लोबलाइजेशन को एक ना रुक सकने वाला रुझान करार दिया और कसीर मुल्की तजारती माहदों की हिमायत की, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दो तरफा तजारती माहदों की तो के लिए तो अमरीका तैयार है, लेकिन कसीर मुल्की माहदों को उन्होंने अमरीका की खुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह करार दिया है। No longer do. अब हम ऐसे बड़े मुआहदों का हिस्सा नहीं बनेंगे जिनसे हमारे हाथ बन जाते हैं, हमारी खुद मुख्तारी मुतासर होती है और जिन पर बामानी अमल दरामद नामुमकिन हो जाता है। इसके बजाय हम बामी एहतराम और मुफादात पर मबनी ताल्लुकात को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप अमरीका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नामी 11 मुल्की तजारती माहदे से पहले ही अलग कर चुके हैं। ये माहदा ओबामा दौर में किया गया था। अमरीकी सदर ने इस मौके पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी सख्त तनकीद की है। और जनूबी एशिया के लिए अमरीका की हिकमत अमली सामने आने के तकरीबन 3 माह बाद भी अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की तादाद में खातरखा इजाफे का इम्कान नहीं। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद जरूरत से 10% तक कम हो सकती है। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी वजीर दिफा जिम मैटिस ने कहा कि तकरीबन 2 दर्जन मुल्कों ने अफगानिस्तान में मजीद फौजी भेजने का वादा तो किया है, लेकिन उनकी तादाद अब तक नहीं बताई। इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीका के 11,000 फौजी मौजूद हैं, जबकि नेटो के 13,000 फौजी वहां तरबियती किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें मजीद 3,000 अफराद यानी 3,000 फौजियों का इजाफा मुतवक्को है। जबकि नेटो इजलास के ही मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जॉन निकलसन ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को तावुन पर कायल करने के लिए उससे आला सतह पर दो तरफा बातचीत कर रहा है और ये कि यह गुफ्तगु सिर्फ पाकिस्तान के साथ दो तरफा सतह पर की जाएगी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में शामिल मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम की कॉल पर अब कबायली इलाकों में वॉइस ऑफ अमेरिका के पश्तो जुबान के डीवा रेडियो के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पहला मुजाहरा पेशावर से मुल्लका खैबर एजेंसी के तारीखी मकाम बाब खैबर पर गुज़िश्ता रोज किया गया। जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का इल्जाम है कि अमरीका के डीवा और मिशाल रेडियो और रेडियो आजादी ने इस्लामी अहकाम, पाकिस्तान की सालमियत और दिफाई इदारों के बारे में नाकाबिले कबूल मवाद नशर किया और फाटा के सियासी मुस्तकबिल के बारे में यकतरफा रिपोर्टिंग की है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के डीवर सर्विस के चीफ नफीस टकर और पिशावर से हमारे साथ बजरिया स्काइप गेस्ट हैं फाटा में JUIF के सरबरा मुफ्ती अब्दुल शकूर। आप दोनों का खुशामदीद हमारे शो में शिरकत करने के लिए आपका शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप जो इल्जाम आयद कर रहे हैं पश्तो लैंग्वेज के ब्रॉडकास्टर्स पे, उनकी बुनियाद क्या है? बुनियादी बात यह है कि हम सुनते हैं पाटा में और कबायली इलाकों में बिलखसूस और नशरियाती इदारे तो इतने ज़्यादा वहाँ का आमद नहीं है और अमरीका के ये दो नशरियाती इदारे बिलखसूस जो देवा और मशाल और तीसरा आज़ादी का रेडियो, ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम देखते हैं उन्होंने जो प्रोग्राम नशर किए हैं उसमें बिलखसूस पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाम को इस तरफ बुलाना कि आप फौज के खिलाफ उठे, इस तरह की प्रोग्रामात उसमें होते हैं
और इसके अलावा अजीम तर बलूचिस्तान की बातें भी उन्हीं के रेडियो से नशर हो रहे हैं। उसके अलावा ड्रोन हमले अमरीका कर रहे हैं और इन्हीं रेडियो में उनकी नशरियात बहुत उनको यानी जो उनकी तायीद कर रहे हैं उनको ज्यादा कवरेज देते हैं। उसके अलावा बुनियाद ये है कि क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ट्रंप का जो यानी पॉलिसी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से उनका जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की सलामती इदारों के खिलाफ है। ISI पर इल्जाम लगाते हैं कि ये नेटवर्क, अच्छा ये आप कहते हैं कि ये ठीक है, आपने कहा कि इन प्रोग्राम्स में जो बात की जाती है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और अमेरिका चूंकि आपकी नजर में पाकिस्तान के खिलाफ है, नहीं तो मैं इस पे इनका भी मौकफ लेना चाहूंगी ना मुफ्ती साहब, एक सेकंड। आप ये नफीस साहब आपने सुना कि वो कहते हैं कि आपके प्रोग्राम्स में जो मवाद नशर किया जाता है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, चूंकि उनकी नजर में अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है तो जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पहले तो मुझे ये बताइए कि अमरीका की तरफ से ये दायरे चलाए जाते हैं पश्तो ब्रॉडकास्टिंग का भी, वॉइस ऑफ अमेरिका भी, क्या कोई गाइडलाइंस आपको मिलती है कि पाकिस्तान में जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं खासतौर पर इस रीजन में तो क्या कहना है और क्या नहीं कहना अमरीकी हुकूमत की जानिब से? शुक्रिया। अमरीकी हुकूमत की जानिब से तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है, हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जर्नलिज्म कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जब मैंने मौलाना साहब को सुना तो ये गलतफहमी ये है कि उनको नाराज़गी है अमेरिका की पॉलिसी से। हम तो उस पॉलिसी को सिर्फ लोगों तक पहुँचाते हैं और इस पर बहस करते हैं, और उस बहस में हम मौलवी साहिबान को भी, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो सियासी बुजुर्ग हैं, यहाँ वाशिंगटन DC में जो थिंक टैंक्स है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पे खूब नज़र रखते हैं, उनको उस बहस में हम इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में व्यूवे डीवा या वॉइस रेडियो मशाल कोई भी ये इस तरह नहीं कर सकते हैं कि हम कोई इधर से अमेरिका पॉलिसी को ज़रा साफ्ट करके उनको पेश कर दे। अमेरिका की पॉलिसी हो या ड्रोन हमला हो या जो भी हो, तो हम दूसरे नशरियाती इदारों की तरह उसको उसी तरह पेश कर देते हैं, लेकिन शायद उनको ये पश्तो में है, मेरे ख्याल में उर्दू या अंग्रेज़ी में जो होते हैं शायद उनको पूरा समझ नहीं आता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है। बहुत ही अवकात तो इसी तरह होते हैं कि अंग्रेज़ी जो आपको तो खुद पता है कि अंग्रेजी में जो खबर आती है उसको हम तर्जमा कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब ये आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि दोनों जानिब की बात की जा रही है? हाँ, बात ऐसी हो सकती है जो काबिले कबूल किसी एक तरफ को, किसी एक फरीक को ना हो, लेकिन अगर दोनों जानिब का मौकफ सामने रखा जा रहा है तो क्या यह काबिले कबूल नहीं है? मुझे जरा सुने, असल बात यह है कि हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी के हिमायत याफ्ता होते हैं उनको ज्यादा वक्त देते हैं डेवा और मशाल। मसलन ये इंजमाम के हवाला से जो इंजमाम के पॉलिसी के खामिल है आए रोज उनके मरके उनके जरगे नशर करते हैं, उनका मौकफ के फजाइल बयान करते हैं, उनको टेम देते हैं, और जो इंजमाम के मुखालिफ है वो बहुत से ग्रुप भी है, अमायदीन भी हैं और स्टूडेंट्स विंग्स भी हैं, उनको सर से कवरेज नहीं देते। और मैं बिलखसूस ये भी कहता हूँ कि आपके कारिंदों से यानी डेवा और मशाल के नुमाइंदों से हमें मालूम हुआ है, हमें उनको ने तरगीब दी है, ये कहा है कि आप अमेरिका के जो पॉलिसी है इंतजाम का उनको अपनाएं तो आए रोज आपको हम बाकायदा कवरेज देंगे और आप खुद फिर देखेंगे कि हम आपको कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये हमने खुद सुना है, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने खैरख्वाही से काम लिया है हमारे लिए, तो ये बुनियादी बात है। और ये तो आप खुद देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं ये कश्मीर के हवाले से वो बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं, उनको ज्यादा वक्त देते हैं। अच्छा, बेसिकली मुफ्ती साहब का इशू जो है कि एक फरीक को ज्यादा टाइम मिल रहा है, दूसरे को कम टाइम मिल रहा है। जहां तक फाटा के खैबर फाटा का KPK में इंजमाम की बात है तो वो तो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, उस पर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, तो दोनों फरीकों को ये समझते हैं कि आप इक्वल टाइम नहीं दे रहे। मैं ये कहूंगा कि ये जो इंजमाम की बात ये कर रहे हैं ये कोई अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि फाटा को, उनकी जो रिपोर्ट है या उनके जो सिफारिशात है वो यही है कि अक्सरियत फाटा की अक्सरियत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलना चाहते हैं, तो अमरीकी पॉलिसी तो अमरीकी पॉलिसी। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बताऊं इनको कि पाकिस्तान में जो मेजर पार्टीज हैं, सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून,
तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, बहुत सी पार्टीज हैं जो उसके हक में है, जो इसके हक में है, और ये सिर्फ दो पार्टीज हैं जो इसके खिलाफ हैं, तो इनके एक्टिविटी ज्यादा होते हैं इसलिए उनकी ज्यादा कवरेज होती है। तो ये अपने में भी एक माइनॉरिटी ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल हर ओपिनियन को टाइम तो दिया जाता है। आप मुफ्ती साहब, मुझे आखिर में बिल्कुल आप अगर मुख्तसरन ये बता सकें कि आपकी नजर में क्या ऐसी तब्दीली आनी चाहिए ब्रॉडकास्ट में कि आपके एहतजाज खत्म हो। अमेरिका ने हमसे मुतालबा किया है कि आप इंजमाम को तस्लीम करें, इंजमाम को मान ले, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका की सफारतखाने का ये बयान आया है कि हम इंजमाम के हवाले से तकनीकी मदद फराहम करेंगे, तमाम अखबारात में बादशाही हुई है। अगर पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है हुकूमत की और उसके ऊपर किसी कोई दूसरी हुकूमत कहती है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो वो तो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से बात कर रही है। मैं सिर्फ आपसे आखिर में बहुत मुख्तसरन ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में ये एहतजाज कैसे खत्म होंगे, मुजाहरे कैसे खत्म होंगे। बात को आप भी कवर शायद नहीं देती, ये मसला है हमारे लिए। हम तो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि फाटा की आवाम जो है इंजमाम चाहते, कहाँ चाहते हैं, वहाँ रेफरेंडम क्यों कर नहीं करते। अच्छा, अगर कवरेज होगी तो ठीक है। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। तो मुफ्ती साहब का ये कहना है कि हमारा जो मौकफ है उसको सामने लाया जाए, और अगर हमारा मौकफ सामने नहीं आता तो ये वन साइडेड रिपोर्टिंग है। और जहां तक आपने बात की, कोशिश यही है कि दोनों साइडों का मौकफ हो। ज्यादातर पार्टीज आपने बताया कि इस इशू पे एक ही जानिब है। हमारे दोनों तरफ के गेस्ट का बहुत शुक्रिया। सिर्फ वक्त की कमी के बायस हम बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जा पाए, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जाए और आप ये फैसला कर सकें कि जब एक या दो पार्टीज सहाफियों के खिलाफ किसी भी वजह से मुजाहरा कर रही है तो उसकी वजह क्या है और सहाफियों का मौकफ इस बारे में क्या है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताजा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं, जहां हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर तरह का मौकफ आपके सामने पेश किया जाए। और सहाफियों की जिम्मेदारी और हकूक की बैन अक्वामी गाइडलाइंस क्या हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के हमारे अगले मेहमान से। पहले आइए देखते हैं कुछ अहम बैन अक्वामी खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन और फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब में लबनान के साबिक वजीर आजम साद हरीरी की नजरबंदी का कोई सबूत नहीं। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रॉन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात के दौरान खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि दाइश शामी फौज से अबू कमाल का अदा वापस लेने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब हिजबुल्ला का दावा है कि दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी को अबू कमाल में देखा गया है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि अगर सऊदी अरब ने यमन को जाने वाले तिजारती रास्तों की नाकाबंदी खत्म ना की तो इस माह के आखिर तक मुल्क में ईंधन और अद्वियात का जखीरा खत्म होने का खतरा है। अमरीकी खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने दीवार चीन का दौरा किया। इस तारीखी मकाम के अपने दौरे के दौरान मिलानिया ने दीवार पर चहलकदमी की और अपने चीनी मेजबानों से गुफ्तगू की। वो इससे पहले पांडास को देखने के लिए बीजिंग के चिड़ियाघर भी गई थी। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं। We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। View 360, सिर्फ आज न्यूज पर। अगर पाकिस्तान में सहाफत को दरपेश चैलेंजेस की बात करें तो वॉइस ऑफ अमेरिका और पश्तो जुबान के दीगर अमरीकी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की कॉल पर मुजाहरे सिर्फ एक इदारे का मसला नहीं। आइए देखते हैं पेशावर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन इस मामले को कैसे देख रहे हैं और फिर इस पर सहाफती इकदार के पहलू से भी हम बात करेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो हमारी सहाफी है उसकी आवाज दबाए। लेकिन मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको बताऊं कि इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हमारी मेंबर्स हैं
और उस मेंबर्स के हर किस्म का ख्याल रखना, उनको तहफ्फुज फराहम करना। अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो हम तो उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर आज वो मुजाहरे करते हैं, कल हम भी इस रोड पे निकल सकते हैं और अपने इन मेंबराज की दिए और इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की दिए हम भी मुजाहरा कर सकते हैं इन लोगों के खिलाफ। सहाफियों को किस हद तक मकामी इकदार और सियासी तर्ज फिक्र का पाबंद होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के न्यूजियम इंस्टीट्यूट में फर्स्ट अमेंडमेंट सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लता नॉट से, जो दुनिया भर में आजादी सहाफत की सूरत हाल पर नजर रखती हैं। लता, वेलकम टू व्यू 360। सो वी हैड अ हीटेड डिबेट एंड अ पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान बिलीव्स दैट सर्टेन ब्रॉडकास्टर्स दैट आर फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट कवरिंग इश्यूज द वे they would like, they don't feel that their point of view is being covered, but most importantly they have also said that reporters are not taking care of the religious sentiments, and also the security establishment is also not being their issues are not being discussed in a respectful manner. My question is, when somebody believes that certain social and political thought is not being respected, what responsibility do journalists have to giving them credence? Well, I think the responsibility of a journalist is to keep people informed about the world around them. And naturally, different journalists and people from different news media outlets bring their own perspectives and, yes, their own biases to their coverage. But the solution to that is that news consumers, the people, should rely on as many diverse and reliable news sources as possible. News that is perhaps not as respectful as you'd like to certain cultural norms, that shouldn't be viewed as a threat. That's information that you should take into account when forming your opinions, even if you disagree with it at the end of the day. So, जहाँ तक तो सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है, लता ने कहा कि 100% अनबायस्ड यानी 100% बैलेंस्ड तो कोई भी नहीं हो पाता, लेकिन इसके लिए ज़रूरी फिर यह है कि जो लोग न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं यानी नाज़रीन और कारीन, वो मुख्तलिफ सोर्सेज ख़बरों के देखें और उससे अपने जो ओपिनियन है उसको फॉर्म करें। लता, हाउ मच शुड जर्नलिस्ट बी बाउंड by what is already considered acceptable in a society, whether it comes to political thought, whether it comes to views on security establishment, foreign policy, all of these issues? I think what should bind a journalist is being credible and providing the people with the most accurate information possible. Other than that, I don't think there should be boundaries on what can be expressed, because journalists, their duty is to express the truth. तो सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि वो सच और दुरुस्त मालूमात फराहम करें, लेकिन किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में जो ऑलरेडी काबिल कबूल तर्ज़ फ़िक्र है या किसी भी इदारे के बारे में जो सोच है उसको आगे बढ़ाना या उसकी हिमायत करना सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी यह है कि वो सिर्फ दुरुस्त हकायक लोगों के सामने पेश करें। We see that there is a couple of weeks ago also in Balochistan we saw that various journalistic organizations, especially newspapers, were threatened that if certain parties, especially their militant groups, if their point of view is not published as they would like for it to be, then they will not allow for newspapers to be distributed. That issue was resolved and now we have this issue in front of us. In America we see there is a sort of a fight almost between liberal and conservative points of view, and conservatives here believe that their point of view is not being given enough time. In Pakistan, liberals feel most of the time that their point of view doesn't have enough space, that most of the space is taken by conservative school of thought. Where do you see media fitting in into this? Well, media is torn sometimes between providing a balanced perspective, and also, as I said, news media outlets do bring their own perspectives to it and their own biases. I think that's unavoidable. I would say that as long as each side has an outlet, has a voice, I think that people will gravitate naturally towards the media that they agree with. So that does happen. But as I said, I think it's important that people just listen to both sides when they're making up their minds. तो ये तो होगा, मीडिया इस वक्त लता की नज़र में चाहे वो अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो मुख्तलिफ तर्ज़ फ़िक्र के दरमियान में एक तरह से फंसा हुआ है, लेकिन ज़रूरी ये है कि लोगों के सामने इंफॉर्मेशन रख दी जाए। हाँ, लोग उस इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे ज़्यादातर जिससे वो ऑलरेडी अग्री करते हैं, जिससे वो ऑलरेडी मुत्तफिक हैं, लेकिन सहाफ़ी बहरहाल उनको वही इंफॉर्मेशन देनी होगी जो उनके सामने है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट, दिस प्रेशर ऑन न्यूज़ आउटलेट्स इन पाकिस्तान इज an issue for freedom of press at a larger scale as well. So looking at the fact that there are a lot of news outlets, whether it's in Pakistan or at a national level, but there is also greater pressure
on news outlets to give information that pleases one side mm-hmm. and not the other. So in terms of freedom of press, how do you see this playing out? Well, I think the press is very resilient, and in Pakistan, despite extraordinary pressures and threats, they have been doing their jobs, and that's something that I think is very admirable. And so I do see that while they are under threat right now, I think press norms grow stronger, especially when the citizens, when the people demand to have more information, to have more accurate information. Instead of actually suppressing it. Exactly. All right. So Lata کہتی ہیں کہ پاکستان میں جو صحافی حضرات ہیں جو صحافت کے شعبے سے منسلک افراد ہیں وہ بہت ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت ریزیلینٹ ہے یعنی دباؤ کے باوجود پھر واپس اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے نہ صرف انڈیویجول صحافی آتے ہیں بلکہ ادارے بھی اپنے جو کام ہے اس کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں زیادہ جو ایک بینیفٹ وہ دیکھتی ہیں کہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر عام لوگ جو نیوز کو کنزیوم کرتے ہیں جو خبریں سنتے ہیں اور اخبارات پڑھتے ہیں ڈفرینٹ میڈیا آؤٹ لیٹس کو کرتے ہیں یوز کرتے ہیں وہ اگر ان کو آگے بڑھائیں اس کاز کو کہ تمام تر انفارمیشن سامنے آنی چاہیے انفارمیشن کو دبایا نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو سامنے آنا چاہیے اور اس ایشو پہ اگر عام لوگ بھی صحافتی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں تو صحافتی اقدار بھی مضبوط ہوں گی اور آزادی صحافت کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گا لتا تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ ریلی اپریشیٹ اٹ تھینک یو فار ہیونگ می رائٹ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 28 سال پہلے شورش کے آغاز پر عسکریت پسندوں نے تمام سینما گھروں کو زبردستی بند کرا دیا تھا اب انہیں دوبارہ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے وادی کے مختلف حلقے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 28 سال پہلے شورش کے آغاز پر اللہ ٹائیگر کی تنظیم نے تمام سینما گھروں کو زبردستی بند کروا دیا تھا 1996 کے عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت نے سینما گھروں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ان کے مالکان کو مالی مراعات اور سیکیورٹی کی پیشکش کی تاہم اسے صرف دو یا تین نے قبول کیا تین سینما گھر کھل بھی گئے لیکن ان میں سے ایک کے صدر دروازے پر مشتبہ عسکریت پسندوں نے عین اس وقت دستی بم کا دھماکہ کر دیا جب شائقین ایک بالی ووڈ فلم کا شو دیکھنے کے بعد باہر آ رہے تھے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے اس واقعے کے بعد خود حکومت نے سینما گھروں کو تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا اب 21 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد سینما گھروں کو دوبارہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے اس کی گونج دارالحکومت سری نگر میں حال ہی میں منعقد کرائے گئے ایک بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے دوران بھی سنائی دی وزیر تعمیرات اور حکومت کے ترجمان اعلیٰ نعیم اختر اس میلے کے منتظمین اور شرکا کی رائے سے متفق ہیں کہ سینما رابطے اور تفریح کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نوجوان نسل کو محروم رکھنا زیادتی ہے پوری دنیا میں سینما ہے پاکستان میں بھی سینما اب سعودی عرب بھی سینما کھول رہا ہے تو سینما ہال میں جانے سے کیوں ہمیں روکتے ہیں مجھے نہیں پتا تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں پہل ہوگی ضرور ہم کتنی دیر اپنے بچوں کو جینیوین انٹرٹینمنٹ سے دور رکھ سکتے لیکن سرکردہ آزادی پسند رہنما میرواز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ سینما گھروں کو کھولنا ترجیح نہیں ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم امن سے رہیں شانتی سے رہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ سینما ہال کھولنے سے یا باقی تفریح کا سامان مہیا کرنے سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو فوج کا ظلم یہاں پر ہے جو یہاں پہ 600,000 سے زیادہ فورسز موجود ہیں جو کالے قوانین ہیں ان میں یہ ترمیم کریں کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ علاقے میں سینما گھروں کو دوبارہ کھولنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے کیونکہ 28 سال پہلے یہاں موجود تقریباً 1.5 درجن سینما گھروں میں سے کئی اب نرسنگ ہومز یا شاپنگ مالز میں بدل چکے ہیں جبکہ باقی پر حفاظتی دستے قابض ہیں اس کے علاوہ کیبل اور ڈش ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دستیاب درجنوں فلمی اور دوسرے تفریحی چینلز نے سینما گھروں کی اہمیت اور ضرورت کم کر دی ہے اور یہ اب انہیں چلانے والوں کے لیے منافع بخش کاروبار نہیں رہا زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل اردو وی او اے سری نگر یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 اپنی رائے اور تجاویز آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے اس کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر اب آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی سارا زمان کو اجازت دیجیے خدا حافظ